गाइस वेलकम बैक अनदर वीडियो, दिस इज रोहित एक्सपीरियंस। सो गाइस आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है एंड मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि वेट गेनर ले सर या फिर वे प्रोटीन ले, और एक और क्वेश्चन था लोगों का कि सर जब मैं वेट गेनर लेता हूँ तब मेरा बॉडी वेट एकदम ठीक रहता है, जब वेट गेनर जब छोड़ता हूँ लेना सप्लीमेंट तो मेरा वेट वापस से घट जाता है, मतलब जितना मेरा पहले वेट था उतना ही मेरा वेट हो जाता है। तो सो ये सब सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। एंड गाइज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, घंटा है जो उसको जरूर ऑन कर ले। उसको ऑन करने से ये होगा कि जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, सेम अकाउंट है रोहित एक्सपीड। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो फिटनेस को लेकर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उस हिसाब से मैं आपको एडवाइस दे दूंगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है उस चीज़ का मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। सो गाइज फटाफट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो ओके, सो हम फर्स्ट बात करने वाले हैं वेट गेनर के बारे में कि सर हम मास गेनर, वेट गेनर, बल्क गेनर ये सब ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। सो गाइज पहले मैं आपको बता दूं कि वेट गेनर हो गया, बल्क गेनर हो गया, मास गेनर हो गया, जो भी गेनर है वो सब एक ही होता है, सब में मतलब डब्बा भर भर के उसमें कार्ब डाले जाते हैं वेट बढ़ाने के लिए एंड प्रोटीन का मात्रा बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो सो गाइज अगर आप पतले दुबले हैं तो चलो आपने मास गेनर या कोई भी गेनर आपने ले लिया, ठीक है, तो जब गेनर खा के आपका अच्छी खासी बॉडी बन गई, फिर कुछ दिन के बाद जब आप गेनर छोड़ दोगे तो आपने बॉडी को देखते होंगे कि मेरा जो बॉडी वेट है वो वापस से घट गया है, जितना मेरा पहले वेट था वो ऑटोमेटिक फिर उतना ही हो गया है। तो वो सब कारण, वो सब दिक्कत क्यों आती है, सो गाइज मैं आपको क्लियर करके मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपका एक बॉडी है, ठीक है, मतलब आप पतले दुबले हो, आपको हैबिट नहीं है कि इतना ज़्यादा डाइट लेने का, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब खाना खाने का आदत नहीं है, ठीक है, कोई भी आप मास गेनर खरीद रहे हो तो उसमें से आप दो स्कूप पर डे खा रहे हो, दो स्कूप पर डे मतलब कि आपका मान लो एक स्कूप में 600 कैलोरीज है, ठीक है, दो स्कूप में हो गया 1200 कैलोरीज आप पर डे ले रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आप डाइट मेंटेन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन 1200 कैलोरीज उस गेनर से आप ले रहे हो, ठीक है। तो वो होता क्या है कि कुछ दिन के बाद जब आप वेट गेनर जब छोड़ते हो तो वो 1200 जो कैलोरीज होता है वो घट जाता है, वो फिर आप नहीं दे पाते अपने बॉडी को, ठीक है, आपका डाइट इंप्लीमेंट नहीं कर पाता उतना उतना कैलोरीज मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए गाइज मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि गाइज आप अपने डाइट से ही वो कार्ब हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब लिया करो, ठीक है। तो सो गाइज हम बात कर लिए हैं वेट गेनर के बारे में और वेट गेनर छोड़ने के बाद आपका साइज क्यों कम हो जाता है वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। सो गाइज वे प्रोटीन बहुत ही अच्छा है मसल बिल्डिंग के लिए। वे प्रोटीन का यूज हमेशा पोस्ट वर्कआउट होता है, जब आप जिम वम करके आते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मसल्स होता है, बॉडी का जो आपका मसल्स है वो ब्रेक रहता है, ठीक है, तो जब आप प्रोटीन उसके बाद जब आप लेते हो तो आप क्या है कि वो फटाफट आपका मसल्स रिपेयर करता है, जो मसल्स आपका ब्रेकडाउन हुआ है उस चीज़ को वो रिपेयर करता है, ठीक है। तो वो प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है। और गाइज मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि मेरा जो फिजिक्स बने वो कभी भी ख़राब नहीं हो, मतलब कभी भी रीबैक नहीं हो कि जहां से मैंने शुरू किया था फिर वहीं पहुंच गया वेट गेनर छोड़ने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सनालिटी एक जैसा रहे तो आप क्या करें, आप एक अच्छा डाइट ले, फ्रूट ले, ग्रीन वेजिटेबल ले, बढ़िया बढ़िया रिच ऑफ कैलरीज, रिच ऑफ कार्ब्स, रिच ऑफ प्रोटीन से फूड ले, क्लीन फूड ले, उसके बाद एक साथ में आप वे प्रोटीन का यूज कर सकते हैं। तो वे प्रोटीन का जब आप यूज करोगे तो क्या है कि आपका जब भी मसल्स बनेगा, ठीक है, जितना भी टाइम ले, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल में आप जो आपका बॉडी बनेगा तो वो बॉडी क्या है कि आपका एक स्टेबल रहेगा, वो बॉडी आपका ख़राब नहीं होगा क्योंकि उसने अपने मेहनत से, अपने डाइट से पूरा किया है उस चीज़ को। आप एक अच्छा डाइट लेकर, प्रोटीन लेकर आपने बॉडी बनाया है तो वो बॉडी आपका क्या है कि कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है, कभी भी रीबैक नहीं होने वाला है। तो सर गाइज मेरा जो ओपिनियन था कि मास गेनर से अच्छा हुआ कि वे प्रोटीन आप जरूर लें, इससे आपका फ़ायदा होने वाला है, भले ही टाइम लगता है गाइज, कोई भी काम करने में एक्चुअली गाइज टाइम लगता ही है, अगर आप एक अच्छा बॉडी चाहते हो तो आपको समय के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर गाइज आपका एक अच्छा बॉडी बनेगा और वो बॉडी आपका कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है और एक नेचुरल बॉडी होगा। सो गाइज ये था मेरा ओपिनियन कि वे प्रोटीन आप यूज करो और एक अच्छा डाइट लो, उससे जाकर अपना बॉडी बिल्ड करो।
तो सो गाइज ये था मेरा ओपिनियन कि आप वे प्रोटीन लो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइज, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा चैनल सपोर्ट होगा और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। सो गाइज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड अभी तक भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सेम अकाउंट है रोहित एक्सपीट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं।